दोस्तों सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग पेरेंट्स एसोसिएशन के द्वारा की गई है और अभी भी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर असमंजस बनने के आसार अभी भी बने हुए हैं, तो इन दोनों विषयों पर हम बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर पूरा बने रहिए और वीडियो पूरा देखना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। तो दोस्तों अगर वीडियो में आप मेरे पहले बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग मुख्यमंत्री से की है और एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर पाल ने कहा है कि कोरोना महामारी की भयावह होती स्थिति से बचने और पालक चिंतित है। कांग्रेस की महासचिव पहले ही कह चुकी है, श्रीमती प्रियंका गांधी ने सीबीएसई को पत्र लिखकर बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की है। साथ ही पूछा गया है कि बच्चों को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन होगा और यही स्थिति छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा की भी बनी हुई है। तो इस प्रकार से स्थिति जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा की भी होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इस समस्या को देखते हुए बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग पेरेंट्स एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। और दूसरा बड़ा विषय आता है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर असमंजस करने के आसार अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं परीक्षा रद्द करने की बोर्ड की कोई योजना नहीं थी और 4 मई से परीक्षा अब तक शुरू होने वाली थी 4 मई से, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, जबकि सीबीएसई द्वारा 1 माह पूर्व जारी कर दिया जाता है। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण से अभी भी चिंता है बच्चों के प्रति, कई राज्य टाल चुके हैं बोर्ड की परीक्षा। तो इस प्रकार से अभी भी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की जो असमंजस है टलने के आसार बने हुए हैं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर स्टूडेंट में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल सीबीएसई परीक्षा के एडमिट कार्ड 1 महीने पहले जारी हो जाते हैं, लेकिन अभी तक परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, जबकि परीक्षाएं 4 मई से शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकतम राज्यों की बोर्ड परीक्षा जो है टाली जा रही है। यही वजह से कि स्टूडेंट को लग रहा है कि बोर्ड परीक्षा भी टाली जा सकती है। इसी बीच सीबीएसई अपने रूप पर कायम है कि परीक्षा को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए वो तमाम एहतियाती उपाय कर रहा है। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि परीक्षा के शेड्यूल में कोई बदलाव किया जा सकता है, लेकिन असमंजस करने के आसार बने हुए हैं। दोस्तों इसी प्रकार से अगर वीडियो चाहते हैं शिक्षा से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित, तो आप इस मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।